Hello sir, I am a homeopathic doctor in Raipur and I am hearing you for the first time. I always wanted to understand the Gita and I did make an effort to understand it too, but I could not. I hope that after listening to your lecture, I will be able to understand Gita. Sir, I have a question. Who was I am in past life and why? Will I continue to take birth? How will I attain moksha and how? Also, how can I eradicate the fear that is within me regarding my future and some illness? गीता समझना चाहते हैं, ये काफी अच्छी बात है। भगवत गीता वो जादू है जिसे थोड़ा भी मनुष्य समझ ले तो कहां से कहां पहुंच जाए, फिर उसके जीवन में दुख असफलता बचे ही ना। सो अच्छा है आप लगातार गीता सुनते रहें, काफी कुछ समझ जाएंगे और उसका निश्चित ही आपको काफी फायदा होगा। अब आप पूछना चाहते हैं अपने जन्म, पुनर्जन्म और पिछले जन्मों के बारे में। तो एक चीज समझ लीजिए कि जन्म जो होता है वो शरीर का नहीं होता है। शरीर, बुद्धि और अहंकार सिर्फ एक जन्म तक साथ निभाते हैं, फिर ये तीनों हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। फिर नया शरीर, नई बुद्धि, नया अहंकार आता है। जन्म मनुष्य की मनोदशा का होता है। सो जो आप आज हैं उसके आसपास ही आप पिछले जन्म में भी थे मानसिक तौर पर, और जिस मनोदशा में आप मरेंगे उसके आसपास ही फिर से पैदा होंगे मानसिक तौर पर। तो जन्म पुनर्जन्म मानस का है, मनुष्य की साइकोलॉजी का है, उसके शरीर का, उसकी बुद्धि का, उसके अहंकार का नहीं है। आप बुद्धि अहंकार से समझते हैं कि इस जन्म में मेरा नाम दीप है, अगले जन्म में आपका नाम दीप नहीं रहना है। आप बुद्धि अहंकार से समझते हैं कि इस जन्म में ये मेरी संपत्ति है, अगले जन्म में वो आपकी संपत्ति नहीं रहनी है। आप बुद्धि अहंकार से समझते हैं इस जन्म में है ना कि ये मेरा परिवार है, वो भी अगले जन्म में नहीं रहना है। सो शरीर, बुद्धि, अहंकार हमेशा के लिए बिछड़ जाते, इसलिए उससे मनुष्य जो कुछ भी एकत्रित करता है उसे माया कहते हैं, है ना। और मानसिक दशा कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। यदि आप में फ्रस्ट्रेशन है और वो मृत्यु के समय भी रहा तो अगले जन्म में फिर आप फ्रस्ट्रेशन लेकर पैदा होंगे, वो आपकी परमानेंट पूंजी है। इसीलिए धर्म की चिंता है आनंद, शांति, मस्ती की, कि उसको इकट्ठा करो, वो लेके मरो तो वो लेके पैदा होगे और आगे बढ़ोगे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। और रहा सवाल आपकी शारीरिक बीमारी के डर का, अब आप खुद ही डॉक्टर हैं, है ना, तो आप तो जानते ही होंगे कि इतना कुछ करने के बाद भी विज्ञान शरीर के बारे में 1-2% से ज्यादा नहीं जानता। शरीर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये अपने ही हिसाब से बनता बिगड़ता रहता। डीएनए, जीन से लेकर सब कुछ इसको प्रभावित करते, हवा, पानी, सब कुछ इसको प्रभावित करते, और सबसे ज़्यादा शरीर को मनुष्य का मन प्रभावित करता है। और ये सभी का बिगड़ता है, महान से महानतम लोगों का भी बिगड़ जाता है। तो उस विषय में चिंता करके या डर के क्या फ़ायदा है ना। जब कुछ होगा तब देख लेना, आप खुद डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर के चले जाना, वापस ठीक हो जाना। तो ऐसे डर पाल के कोई फायदा नहीं है। शरीर को जब बिगड़ना हो बिगड़े। अब गाड़ी कब बिगड़ेगी ये सोच के गाड़ी चलाने का मजा ही ना ले, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर, कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ, ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ,
ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, कॉन्सेंट्रेशन, कंफ्यूजन, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जॉय एंड सक्सेस, माइंड एंड ब्रेन, डे स्लीप, नेचुरल इंटेलिजेंस, चेंज योर फ्यूचर, ईगो, नॉन वायलेंस, फ्रीडम तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओत्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम DVDs और CD सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम DVDs और CDs आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी, ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स, हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।